काले हिरण के शिकार के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सजा रद्द करने की याचिका पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई सुनिश्चित की है। मामले में पिछले महीने ही जमानत मिलने के बाद सलमान खान सोमवार को एक बार फिर जोधपुर सेशंस कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे थे। इस सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कोर्ट से सलमान खान की सजा को रद्द करने की मांग की। हालांकि उन्होंने कोर्ट से अगली सुनवाइयों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेशी में छूट की मांग भी की। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज चंद्र कुमार सोनगारा ने मामले पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई तय की। सलमान के वकील महेश बोरा ने अगली सुनवाइयों में सलमान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने के लिए कोर्ट के समक्ष पिटीशन दायर किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान खान, उनका बॉडीगार्ड शेरा और उनकी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता मौजूद रही। सलमान की दोनों बहनें पहले ही कोर्ट पहुंच गई थी, जबकि सलमान ने कुछ मिनट बाद कोर्ट में एंट्री की। सलमान के खिलाफ सुनवाई को देखते हुए जोधपुर सेशन कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। गौरतलब है कि इस मामले में सलमान को दोषी पाया गया था और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। यह मामला 1998 का है। सलमान का यह दोष साबित हुआ है कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। हालांकि सलमान को सजा सुनाए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें जोधपुर कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सलमान खान को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई थी और यह भी कहा गया था कि वह बिना कोर्ट के आदेश के देश से बाहर नहीं जा सकते। सलमान के अलावा अन्य आरोपी तब्बू, सैफ अली खान, नीलम कोठारी और सोनाली बेंद्रे को निर्दोष पाया गया था।